सिटी में एक शूटर गिरफ्तार। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दीरापर इलाके में छापेमारी कर सांप शूटर को एक देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शूटर की पहचान नौबतपुर इलाके का रहने वाला शुभम कुमार के रूप में किया है। पुलिस का कहना है कि अपराधी से कड़ी पूछताछ की गई, जिसने उसमें कबूल किया है कि वो एक सांप शूटर है और दीरापर के रहने वाले सूरज गोप की हत्या का सुपारी लिया था। इस हत्या में 3 लोग शामिल है। गिरफ्तार आरोपी सक्रिय अपराधी है और कई कांडों में जेल भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी के बयान पर फरार हुए 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान में जुट गई है। पिंकी सिंह के साथ न्यूज क्राइम 24 टीम की रिपोर्ट। एक युवक पकड़ा गया है सर, फायरिंग का मामला है, क्या मामला है इसका? कल हम लोग को सूचना मिली थी कि दीरापर का एक सूरज गोप है, उसको मारने के लिए 3 लड़के आए थे। उसमें से एक लड़का पकड़ा गया है हथियार के साथ, शुभम कुमार नाम है उसका। 2 अन्य भागे हुए हैं, इसमें अन्य अपराधकर्मी भी सम्मिलित हैं। क्या उम्र होगी सर, कहाँ का रहने वाला है ये शुभम कुमार? उम्र लगभग 22 वर्ष का है और ये नौबतपुर का रहने वाला। क्या ये पेशेवर सर शूटर है? हाँ, ये अपराध कर्मी है, पहले भी जेल जा चुका है और एक सक्रिय गैंग का।